युवा नेता गौरव सिंह बघेल बने पत्रकार संघ की आवाज। पुलिस प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। बमीठा हाल ही में बमीठा थाने अंतर्गत हुआ पत्रकार पर जानलेवा हमला की घटनाएं से जहां सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, वहीं छतरपुर जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत पत्रकार देवेंद्र चतुर्वेदी के साथ पीएनसी कर्मचारियों ने जानलेवा हमला को लेकर पत्रकारों के समर्थन में आगे आए। युवा कांग्रेस राजनगर विधानसभा अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल घटना स्थल पर जाकर थाना प्रभारी एवं स्थानीय प्रशासन राजनगर SDM को आवेदन सौंपकर आरोपियों पर उचित कार्यवाही की मांग की और 2-3 दिवस के अंदर आरोपियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय लोगों के साथ धरना देने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही खजुराहो के पत्रकारों ने भी थाना द्वार पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। सभी ने कहा कि जल्द जल्द आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो कलम बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक साथी के साथ, यह घटना मामूली घटना नहीं, यह बहुत बड़ी घटना, इसकी जगह जगह निंदा हो रही है। नागरिक है जिस तरीके से हम लोग, मतलब ये नहीं है सर, हम लोग भी बड़ी सर, हम लोग भी बड़ी मुसीबत में सर। रोड छाप आदमी नहीं, जिस तरीके से आपने हमसे बात की है, इस तरीके से नहीं, हम लोग भी रोड साहब नहीं है, हम लोग नंबर 1 का काम कर रहे हैं। सर क्या काम कर रहे हैं सर? कहा हमने सर आपसे, तो हम भी यही बोले, हम भी यही बोले भाई साहब कि ये कानून का पता कर लीजिए पहले, आपकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं। हम आप ही होकर बात नहीं करते, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कानून जो कहेगा वही कार्रवाई होगी। आपके दबाव से हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमने मान लिया ना उस बात को, दबाव पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम भी अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हो, इसने क्या तानाशाही करी है बताइए। पत्रकारों आप भी दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, बनाने में हम लोग खड़े हैं आप इस तरीके से। पत्रकारों पर आप भी दबाव बना रहे हैं सर? सीधा सीधा एक पत्रकार पर सर मामला हो गया, पंजीबद्ध किया हमने, अगर घटना हुई है तो आप कह रहे हैं निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो दिखा, वीडियो हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, वीडियो बना रहे फालतू का, जब अपराध पंजीबद्ध हो गया किस बात का दबाव? हम कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे गिरफ्तार, अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं तो थोड़ी है कि दबाव बना लिया किसी चीज का। हमला में यदि 323-200 आपने खुद आवेदन लिख के दिया है, तो ये गलत है ना, आपने खुद आवेदन दिया, जो आवेदन दिया वो FIR हुई, नहीं तो FIR में जो आवेदन दिया वो FIR हुई है, गलत कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई है। और अगर आप ये कह रहे बीपी बढ़ा रहे, हम बीपी नहीं बढ़ा रहे भाई साहब, हम बीपी नहीं बढ़ा रहे बिल्कुल, हम सिर्फ आपकी नॉर्मल हम भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, बात पुलिस की नहीं है भैया, हम अपराध पंजीबद्ध किए हैं, घटना हुई तत्काल FIR। मैंने सब साधारण सवाल किया था, लेकिन आप जिस तरीके से आवेश में बात करें वो सब अशोभनीय है। अशोभनीय ये है कि हम वहाँ से आओ और आप कह रहे पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं क्या प्रशासन प्रशासन नहीं, तो इसका मतलब ये कि हम लोगों पर बिल्कुल क्या बोले, क्या बोले आप, बोल रहे गिरफ्तार करो, आप कानून का उल्लंघन कराना चाहते हैं, हम लोग भी कानून के, आप कानून का उल्लंघन कराना चाहते हैं। पर हमला हुआ था, क्या पूरा मामला है, क्या किया? आज यूथ कांग्रेस में जो ज्ञापन दिया गया है, सभी जानते हैं कल जो कितनी निंदनीय समना घटना हुई है, 34 स्तंभ पे जो हमला हुआ है, वहाँ पे प्रशासन भी था, वहाँ पे SDM साहब स्वयं थे, तो और उसके बाद भी जो धाराएं लगाई गई हैं वो ना के बराबर हैं, उस धारा पे उन्हें अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये बड़ी कंपनी है और इस तरीके से खुला गुंडागिरी कर रहे हैं तो उस पर जनता पे क्या असर आएगा इसी कंपनी को, बाहरी कंपनी को? बिल्कुल हम ऐसा बढ़ावा नहीं देंगे। और कल से जो वीडियो वायरल हो रही है, हर आम इंसान में इसमें रोष है, यही हमने ज्ञापन दिया है। और भाजपा जो शासन है उसमें अधिकारी कैसे बड़े चढ़े हुए हैं ये बिल्कुल दिख रहा है हमें, तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और 3 दिन का अल्टीमेटम हमने प्रशासन को दिया है, 3 दिन के अंदर इस पे जो भी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने इसमें कार्रवाई की है, मार दी है पत्रकारों को, उन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त 3 दिन के अंदर, नहीं तो हम आम जनता के साथ क्षेत्रवासियों के साथ यहीं पर तब तक बैठे रहेंगे तब तक हम कार्रवाई नहीं हो जाती है इस पूरे मुद्दे पे। दिया है पत्रकार मामला, कल के मामले को लेकर के जो PNC के एम्प्लॉइज और पत्रकार श्री देवेंद्र चतुर्वेदी के बीच में विवाद हुआ है, उसके संबंध में ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है और कार्यप्रणाली के ऊपर अध्यक्षेपण प्रस्तुत किया है। प्राप्त ज्ञापन पर मैंने लिखा है कि तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। पत्रकार में सर काफ़ी रोष है, गिरफ्तार नहीं होगा जब तक हम लोग नहीं, मुझे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है इन लोगों ने, तो नियमानुसार मैंने लिखा भी है ना कि तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई। सर वीडियो में सर जो वीडियो में जो लोग मार पिटाई कर रहे थे सर, वो अभी आने, मैं कल खुद मौके पर था, मैंने खुद जाकर के आप देवेंद्र चतुर्वेदी साहब से भी पूछिएगा कि मैंने उनको अलग अलग किया है और निश्चित तौर पे ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। सर यहाँ जो पत्रकार आके अपनी आवाज़ रख रहे थे, तो सर जो थाना प्रभारी है बमीठा के, मैं ये समझ में उनके द्वारा कर पाऊंगा, बात करने के बाद उनको एक बार जवाब दूंगा। थैंक यू।